आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर। तो हेलो दोस्तों, आदि पुरुष ने एडवांस बुकिंग के मामले में सबको चौंका रखा है। लोगों का तो कहना था कि मूवी ग्रो ही नहीं कर पाएगी, लेकिन सारी बाजी उल्टी पलट गई। जी हाँ दोस्तों, एडवांस बुकिंग में रोज नंबर बढ़ता दिख रहा है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि डे वन में एडवांस बुकिंग कलेक्शन लगभग 10 करोड़ के आसपास होगा, पर दोस्तों यकीन नहीं करोगे, डे वन का एडवांस बुकिंग कलेक्शन 15 करोड़ से नीचे नहीं जाएगा। अभी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, अगर उसके अकॉर्डिंग बोलूं तो मूवी लगातार ग्रो कर रही है, हर दिन नंबर बढ़ता दिख रहा है। जी हाँ, ये वही मूवी है जिसको भर भर के क्रिटिसिज्म मिल रहा था, जिसको रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप का टैग दिया जा रहा था। तो आज जानेंगे कि एडवांस बुकिंग में कैसी हालत है मूवी की, मूवी कब रिलीज होगी, मूवी का बजट कितना है, सब जानेंगे कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी आदि पुरुष के रिलीज होने का इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे हैं और प्रभास के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन इससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ओम राउत के डायरेक्शन में लगभग 700 करोड़ के टोटल खर्चे में बनने वाली आदि पुरुष को 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया जाएगा और मूवी का बेसब्री से लोग इंतजार भी कर रहे हैं, साथ ही दूसरी तरफ लोग इसका कड़वा विरोध भी कर रहे हैं। तो मूवी फुल क्रिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी में लगातार सर्वाइव कर रही है और ना हारने वाले जुनून के साथ लगातार आगे बढ़ भी रही है और इस फिल्म ने काफी ऑडियंस का दिल भी लूट लिया है अभी तक, जिसका जीता जागता सबूत एडवांस बुकिंग से पता लग ही रहा है। दोस्तों यकीन नहीं करोगे, मूवी अपने डे वन में यानी अपने ओपनिंग डे में 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर सकती है, जबरदस्त धमाकेदार ओपनिंग ले सकती है। दोस्तों किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि आदि पुरुष इतने बड़े आंकड़े को कलेक्ट कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, कई इंडियन प्लेसेस पर एडवांस पोर्टल ओपन होते ही हाउसफुल हो गया था। सबका यही सोचना था कि जैसे तैसे लागत निकाल लेगी, लेकिन ऐसी बम्पर ओपनिंग लेगी किसी ने नहीं सोचा था। जी दोस्तों, मूवी को 2D, 3D और IMAX स्क्रीन पर रिलीज करा जाएगा। बता दूं तो मूवी हिंदी और तेलुगु भाषा में ऑफिशियली शूट करी गई है, जिसमें से कन्नड़ा, तमिल और मलयालम में भी आपको डबिंग करके दिखाई जाएगी। जी दोस्तों, फिल्म को पूरे भारत में लगभग पांचों लैंग्वेज में 6600 से 6500 स्क्रीन दी गई हैं, जिसमें से हिंदी बेल्ट को लगभग 4000 स्क्रीन्स दी गई हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर है और मोटी भर भर के कमाई भी यहीं से आने वाली है, हिंदी बेल्ट से। दोस्तों इंडिया में एडवांस बुकिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हिंदी बेल्ट की, जिसमें आंकड़ा सबसे ऊपर चल रहा है। बात करें पहले हिंदी बेल्ट की, तो दोस्तों लगभग 4 करोड़ का कलेक्शन 3D स्क्रीन से कर लिया है अभी तक, लगभग 1,30,000 टिकट सेल करके। वहीं हिंदी बेल्ट से 2D स्क्रीन में लगभग 68 लाख का कलेक्शन कर लिया है सिर्फ 65,000 टिकट बेचकर। तेलुगु 3D से लगभग 1.5 करोड़ का कलेक्शन, अराउंड 55,000 टिकट सोल्ड आउट करके। तेलुगु 2D से लगभग 42 लाख की एडवांस बुकिंग, अराउंड 19,000 टिकट सोल्ड आउट करके। मलयालम 3D से 2,80,000 का कलेक्शन, अराउंड 1,400 टिकट सोल्ड आउट करके। तमिल 3D से लगभग 2.5 लाख की एडवांस बुकिंग और 1,900 टिकट सोल्ड आउट। तमिल 2D से बात करें तो 8,000 की एडवांस बुकिंग करिए कलेक्ट कर चुके हैं, वो भी 78 टिकट सोल्ड आउट करके। इसी के साथ कन्नड़ा और आंध्र प्रदेश में ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर इंडिया से टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन की अगर बात करूं तो लगभग 6,70,00,000 से ऊपर का कलेक्शन ये अभी तक एडवांस से कर चुकी है मूवी, और एंड ऑफ द डे शायद से शायद ये आंकड़ा 7 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है अगर ऐसे ही ग्रोथ करती रही तब। और अगर ऐसे ही ग्रोथ करती है तो KGF, RRR और पठान जैसी फिल्मों के साथ भी इस फिल्म का नाम लिया जाएगा। लेकिन खत्म करने से पहले एक सवाल आप लोगों से ये है कि क्या मूवी 100 करोड़ की ओपनिंग ले पाएगी अपने पहले दिन ही? दूसरा, मूवी रिलीज होने का आप लोगों का कितना बेसब्री से इंतजार है? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।